दोस्तों, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पीमरा की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी फीस मुकर्रर की जाए। पेश करदा तजवीज़ में कहा गया है कि यूट्यूब पर इंटरटेनमेंट चैनल बनाने की फीस 50 लाख रुपये, जबकि हालात हाजरा पर तबसरा करने वाले चैनल्स की फीस 1 करोड़ तक रखी जाएगी। पीमरा की जानिब से तमाम मुतलक्कीन से इस बारे में राय तलब की गई है, जिसकी आखिरी तारीख 24 फरवरी 2020 रखी गई है। हुकूमत की जानिब से मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन काम किया जा रहा है। जब से PTI हुकूमत आई है, अक्सर सहाफ़ियों को अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, तो अक्सर ने TV चैनल छोड़कर YouTube चैनल खोलने का फैसला किया है। लेकिन अब यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत के इससे भी मसला है। कुछ अरसा कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूट्यूबर्स कम्युनिटी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एक नौजवान सहाफ़ी ने बताया कि पाकिस्तान में 3 सहाफ़ियों ने यूट्यूब से 1 साल में $71,000 कमाए हैं। इस बात पर इमरान खान की जानिब से भी मजाक में कहा गया था कि फिर तो हमें भी यूट्यूब चैनल को खोलना चाहिए। इसके अलावा गुज़िश्ता के कुछ अरसे में मुल्क के नासरों सहाफ़ियों ने भी TV चैनल्स और आयत हुकूमत की पाबंदियों से तंग आकर YouTube चैनल पर आने का फैसला किया है। अब हुकूमत की जानिब से ऐसी तजावीज़ पेश करके साबित किया जा रहा है कि शायद हुकूमत को अब YouTube चैनल भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आए हैं। इसकी वजह शायद ये है कि सहाफ़ियों ने अब वो बातें YouTube पर करना शुरू कर दी है, जिन पर हुकूमत की जानिब से नेशनल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।